हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपके शिक्षण बाबा चैनल पर। तो इस वीडियो के अंदर हम जानकारी देने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ होता है इंजीनियरिंग कॉलेज का, आईआईटी कॉलेज है, फिर एनआईटी है, ट्रिपल आईआईटी जीएफटाइज है, तो ये अलग अलग कॉलेजेस हैं, तो इनका कट ऑफ क्या है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट को प्रीवियस ईयर का कट ऑफ नहीं पता होता और उनको जानने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको नहीं मिल पाता। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पर हम आपको एक वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं करने वाले हैं। ठीक है, प्रोवाइड की है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये चेक कैसे करते हैं इसका वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए लैपटॉप के स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पर जाके देखते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं अब लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो चलिए आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है वहां पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपके मोबाइल के ब्राउजर के अंदर आपका नया पेज खुलेगा और ये वेबसाइट ओपन होगी जो कि शिक्षणबाबा.com है, जो अपनी वेबसाइट है। ठीक है, तो ये शिक्षणबाबा वेबसाइट का होम पेज है। तो यहाँ से आपको क्या करना है यहाँ से हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इंजीनियरिंग का जो मेनू बार है, जो मेनू है, यहाँ से आप सिंपल सा एलिजिबिलिटी और एडमिशन के अंदर जो सा काउंसलिंग है यहाँ पर क्लिक करके आप आर्टिकल के ऊपर जंप कर सकते हो या फिर डायरेक्टली यहाँ पर सर्च करके भी जा सकते हो। ठीक है, सर ये सर्च आइकन पर क्लिक करके, तो हम सीधा चलते हैं यहाँ से जोसा काउंसलिंग के आर्टिकल के ऊपर। ठीक है, तो ये आर्टिकल अभी ओपन होगा ज़रा। हाँ ठीक है, अभी यहाँ पर आप पूरा जोसा काउंसलिंग का जो डिटेल है या फिर जोसा काउंसलिंग क्या है आप यदि आपको पता नहीं है तो आप पूरा यहाँ पर पढ़ सकते हो। जैसे हमने एक वीडियो बनाई है जोसा काउंसलिंग के ऊपर, आप वो भी जाके देख सकते हो, आई बटन में लिंक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरी डिटेल पढ़ सकते हो जोसा काउंसलिंग क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, फिर उसका इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन से है जोसा काउंसलिंग के लिए। ठीक है, अभी ये आर्टिकल तो हमने एक दो महीने पहले पब्लिश किया था और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट डेट है सितंबर के फर्स्ट वीक वगैरह है। अभी जो नया अपडेट आया है कोरोना का, जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, इसकी वजह से हर दम ये बार बार ये चेंज होता जा रहा है पूरा शेड्यूल। अभी इसको हम चेंज करने वाले हैं। ठीक है, अब जब तक देखोगे ये चेंज हुआ होगा। ठीक है, अभी 3 अक्टूबर को एग्जाम है जी एडवांस का, जी एडवांस के बाद ही जो सा काउंसलिंग का प्रोसेस चालू होता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन ये फर्स्ट वीक में होने वाला था सितंबर के, अभी ये और आगे बढ़ सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी इस वीडियो के अंदर हम इतना ही देखेंगे कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कैसे देखा जाए। ठीक है, तो आगे चल बढ़ते हैं। ये रैंक लिस्ट है, यदि आपको पता नहीं है कि कौन से कैटेगरी के अंदर को कितनी रैंक डिटेल होती है, कितने रैंक्स होती है, तो आप यहाँ पर सिंपल सा देख सकते हो। ठीक है, बेसिक जो कॉमन लिस्ट है ओबीसी, जनरल एसटी, एसटी, ओबीसी, एनसीएलटी, ये वाला है, फिर पीडब्ल्यूडी, आपको पता नहीं होगा तो डिसेबिलिटी जो होता है उनके लिए होता है पीडब्ल्यूडी। ठीक है, ये अलग अलग आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो हम डायरेक्टली जंप करते हैं अपने जो कट ऑफ कैसे देखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक कंटेंट लिस्ट मिलेगी, देखिए यहाँ कंटेंट लिस्ट। तो यहाँ कंटेंट लिस्ट के अंदर आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर जो 13 नंबर का जो हेडलाइन है वहाँ पर आप क्लिक करने के बाद डायरेक्टली 13 नंबर के हेडलाइन के ऊपर आ जाओगे और यहाँ पर आपको एक इमेज मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली दूसरे पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो डायरेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पर कौन से राउंड के अंदर, अभी आपको पता करना है कि कौन सा राउंड है, कौन से राउंड के अंदर कितनी सीट अवेलेबल थी, अभी कौन से राउंड के अंदर कितनी सीट के बाद कट ऑफ बंद हुआ है, ओपन हुआ है, क्लोज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो। फिर राउंड नंबर, अभी मान लो कि पहले राउंड के लिए क्लोजिंग कट ऑफ क्या था। ठीक है, अभी ये पहला राउंड चेक किए हमने, फिर उसके अंदर एनआईटी के लिए देखते हैं। ठीक है, एनआईटी, फिर इंस्टीट्यूट नेम कौन सा है एनआईटी के अंदर का देखते हैं, फिर इसके अंदर का जो जलंधर का एनआईटी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसका देखते हैं कट ऑफ क्या है फर्स्ट राउंड के लिए। ठीक है, अभी एकेडमिक प्रोग्राम हमें चूज करना होता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं केमिकल के लिए, जो केमिकल इंजीनियरिंग होता है, जो 4 साल का कोर्स होता है, बैचलर कोर्स, तो उसके लिए कट ऑफ क्या था फर्स्ट राउंड के अंदर, जो कि जोसा काउंसलिंग प्रोसेस है उसका जो फर्स्ट राउंड है एनआईटी, जो कि जलंधर है। ठीक है, और उसके अंदर का केमिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ हम देखना चाहते हैं और यहाँ पर हम सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने के बाद आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट राउंड के लिए क्या कट ऑफ था।
तो अभी देखिए ये ओपन रैंकिंग इधर है और क्लोजिंग रैंकिंग इधर है। अभी देखिए यहाँ पर इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर दिया गया है, फिर यहाँ पर एकेडमिक प्रोग्राम नेम दिया गया है केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, फिर कोटा कौन सा है। अभी EHS इसका फुल फॉर्म होता है कि होम स्टेट, ठीक है। अभी जो बच्चे जो कैंडिडेट होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, जलंधर से बिलोंग करते हैं, जलंधर अभी श्रीनगर, तो वहां से बिलोंग करते होंगे हिमाचल प्रदेश से, तो उनके लिए जो कट ऑफ है EHS वाला है, पूरा का पूरा कट ऑफ उनके लिए, ठीक है। और जो आउट ऑफ स्टेट है, ये OS आउट ऑफ स्टेट है, तो उनके लिए एक कट ऑफ है, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज, एज कोटा वाइज, कैटेगरी वाइज, जेंडर वाइज, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक, ये पूरी की पूरी यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो आप सिंपल सा यहाँ पर देख सकते हैं, अभी जनरल जो न्यूट्रल होते हैं वो उसके अंदर मेल होते हैं, ठीक है। जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए ओपनिंग रैंक है 24,293 और क्लोजिंग रैंक है 43,213, ठीक है। तो एक क्लोजिंग रैंक इस तरह से आप पूरी की पूरी कट ऑफ देख सकते हो, ये पहला देखिए। फिर मान लो कि अभी हमें छठे राउंड का देखना है, ठीक है, छठे राउंड का कट ऑफ देखना है, और हमें देखना है किसके लिए, IIT के लिए, ठीक, IIT के लिए देखते हैं, हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर यहाँ से देखते हैं इंस्टीट्यूट कौन सा सेलेक्ट करते हैं, बॉम्बे करते हैं, ठीक है। तो बॉम्बे के अंदर जो एकेडमिक प्रोग्राम कौन सा है वो देखते हैं, तो एकेडमिक प्रोग्राम हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस लेते हैं, एक ही बहुत ही फेमस है, जो कि बॉम्बे IIT बॉम्बे के अंदर कंप्यूटर साइंस बहुत ही फेमस है। अभी इसका कट ऑफ देखते हैं, सबमिट। तो सबमिट के बाद देखिए यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा, पूरे IIT के लिए ऑल इंडिया कोटा है, ठीक है। फिर ओपन कैटेगरी के लिए जो न्यूट्रल है उनके लिए ओपनिंग रैंक है 2 और क्लोजिंग रैंक है 66, है ना। फीमेल के लिए ओपनिंग रैंक है 17। अभी हाँ, मान लो कि आपका जो आप फीमेल हो और आपका जो 1750 ऐसा कुछ रैंक आया है, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक, तो आपको सिंपल सा लग जाएगा। लेकिन आप मेल कैंडिडेट, ये फीमेल के लिए मेल कैंडिडेट हो, और मेल कैंडिडेट होने के बावजूद आपका 67 रैंक आ गया, तो आपको ये नहीं मिल सकता, ठीक है, ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो फिर मान लो कि आप इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, ये वाला, तो इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इसको देखिए एक रैंक है ना। फिर यहाँ पर क्लोज रैंक 29 है, ये अब ऐसा पूरा का पूरा देख सकते हो, क्लोजिंग रैंक एंड ओपनिंग रैंक, ठीक है। अलग अलग राउंड वाइज, अलग अलग इंस्टीट्यूट वाइज, इंस्टीट्यूट नेम, इंस्टीट्यूट टाइप, एकेडमिक प्रोग्राम वाइज आप पूरा का पूरा रैंक देख सकते हो, क्लोजिंग रैंक ओपनिंग रैंक, ठीक है। और इसके हिसाब से आप जो आपका जो चॉइस फिलिंग है, ठीक है, अभी ये चॉइस फिलिंग जो स्टेप होता है चॉइस फिलिंग का, तो कहाँ गया, हाँ ये वाला चॉइस फिलिंग का स्टेप, तो यहाँ पर आपको उसके हिसाब से ही कॉलेज फिल करना होता है, प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है उसके हिसाब से, आपका कौन सा रैंक आया है उसके हिसाब से, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड होकर आप कॉलेज चूज करो, तभी आपको आपके मनपसंद का या फिर आपका जो आप जिस कॉलेज के लिए इलिजिबल हो, ठीक है। कभी कभी होता है कि आप इलिजिबल होते हो, आप हाँ आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, लेकिन गलत चॉइस फीलिंग की वजह से आपको लो कैटेगरी का, फिर लो कैटेगरी तो नहीं होता इसके अंदर, टॉप रेपुटेड कॉलेजेस सब, लेकिन आपको लोअर कॉलेज मिल सकता है, मिलता ही है, ठीक है, गलत चॉइस फीलिंग की वजह से। तो ध्यान से ये पूरा कट ऑफ चेक कीजिए, आपको किस कॉलेज का, किस कॉलेज के अंदर कौन सा ब्रांच चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं वीडियो एंड। यदि आपको जोसा काउंसलिंग का पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए तो लेफ्ट और वीडियो देखिए, और इसके आगे जो स्पेशल राउंड होता है जोसा काउंसलिंग के बाद वो वीडियो देखना है, CSAB उसके साथ ज्वाइंट होता है, ठीक है। तो राइट वाले वीडियो देखिए, तो मिलते हैं वीडियोज के अंदर, तब तक के टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ये वीडियो शेयर करना कभी नहीं भूलना। तो मिलते हैं वीडियोज के अंदर।